रोहित शर्मा ने मैच में दी गाली, पोलार्ड ने मैदान पर की अजीबोगरीब हरकत। वेस्ट इंडीज के विरुद्ध पहले वनडे मैच में रोहित शर्मा अच्छी आरंभ के बावजूद बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। रोहित शर्मा ने 56 गेंदों पर 36 रन बनाए। रोहित शर्मा अर्धशतक लगाने में तो नाकाम रहे, लेकिन अपनी पारी के दौरान कुछ ऐसा किया जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रोहित शर्मा को कूल खिलाड़ी माना जाता है, वो मैदान पर बस बल्ले से ही लोगों को जवाब देते हैं, लेकिन चेन्नई में उन्होंने वेस्ट इंडीज के कैप्टन पोलार्ड को गाली दी है। रोहित शर्मा ने पोलार्ड को दी गाली। घटना भारतीय पारी में 7वें ओवर की है, जब वेस्ट इंडीज के कैप्टन पोलार्ड नॉन हड़ताल पर खड़े रोहित शर्मा के पास आए व उनके पास खड़े होकर उनसे कुछ कहने लगे। पोलार्ड ने अजीबोगरीब ढंग से अपना शरीर हिलाया व चले गए। इसके बाद केएल राहुल ने रोहित शर्मा से पूछा कि पोलार्ड क्या कह रहे थे। इस पर टीम इंडिया के उपकप्तान ने गाली दे दी। रोहित शर्मा ने पोलार्ड को मस्ती में गाली दी, उनके बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ। रोहित शर्मा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। रोहित शर्मा अच्छी आरंभ के बाद आउट। मैच में प्रदर्शन की बात करें तो रोहित शर्मा ने चेन्नई की कठिन पिच पर शंभली आरंभ की। टीम इंडिया ने 7वें ओवर में केएल राहुल व विराट कोहली के विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद रोहित शर्मा ने श्रेयस अय्यर के साथ टीम इंडिया को आगे बढ़ाया। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 55 रनों की अहम साझेदारी की। हालांकि अच्छी आरंभ के बाद रोहित शर्मा ने अल्जारी जोसेफ को अपना विकेट दे दिया। रोहित शर्मा ने मिड विकेट पर हवा में शॉट खेल पोलार्ड को कैच थमा दिया। रोहित शर्मा ने अपनी 56 गेंदों की पारी में 6 चौके लगाए। रोहित शर्मा के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।